हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा आप सभी लोगों का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल डिब्बो की रसोई में। तो आज मैं फ्रेंड्स फिर से आप सभी लोगों के लिए कुछ नई रेसिपी लेकर आई हूं। तो आइए वीडियो को फटाफट चालू करते हैं बनाना। वीडियो के साथ आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सभी लोगों के साथ पालक की सब्जी बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो है पालक को धोकर और कट कर लिए हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पहले से कट कर लिया था, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे पालक को कट करके रख लिया है और ये मैं आलू कट करके रख ली हूँ और इसमें बैंगन। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू, बैंगन और साग आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो आइए वीडियो फटाफट चालू करते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है आलू बैंगन साग की सब्जी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने गैस को ऑन कर लिया है। अब इसके ऊपर जो है हम कढ़ाई रख देते हैं गर्म होने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें सबसे पहले हम तेल डाल देते हैं। तो तेल यहाँ पे हम सरसों का डालते हैं। हम लोग सरसों का तेल खाते हैं, आप जो भी तेल खाना पसंद करते हैं उसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरसों के तेल में सब्जी जो है बहुत टेस्टी बनती है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सरसों का ही तेल यूज किया है। तो तेल हमारा गर्म हो गया है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने देखिए तड़का के लिए इसमें हम सबसे पहले ये हरी मिर्च को कट कर लिए हैं। यहाँ हम हरी मिर्च डालेंगे और ये मैंने लिया हुआ है लहसुन। जो लहसुन आजकल ठंडियों में ये पत्ती वाली लहसुन आती है वो, और थोड़ा सा छोटा सा अदरक के टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर लिए हैं। अब इसमें तेल हमारा गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम हरी मिर्च को डाल देते हैं और इसी के साथ लहसुन और अदरक को भी डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पे लहसुन और जो ये हम डाले हैं मिर्च, ये बिल्कुल हो गया है अच्छे से। अब इसमें हम सबसे पहले, अभी हम पालक को नहीं डालेंगे इसमें, सबसे पहले यहाँ पे जो हम बैंगन और आलू कट करके रखे हैं इसे डाल देते हैं। और बैंगन को भी डाल देंगे इसी समय। तो यहाँ पे देखिए आलू बैंगन को मैंने डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से चला लेना है। इसकी सब्जी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी बनेगी। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, तभी मेरी सब्जी की रेसिपी आप लोगों को समझ में आएगा। और इसके साथ ही अब जो है ये पालक को भी हम डाल देते हैं, जो पालक मैंने कट करके रखा है। तो बिल्कुल आज हम शादी पार्टी वाली आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं ये सब्जी, जैसे हम शादियों पार्टी में खाते हैं आलू बैंगन साग की सब्जी। तो आप लोग बिल्कुल हम ऐसे डाल देंगे, सारे साग को डाल देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने जो है साग को डालकर और अच्छे से इसे चला देते हैं ताकि आलू बैंगन साग तीनों जो है मिल जाएगा। और साग है फ्रेंड्स तो पानी, थोड़ा सा साग से पानी निकलता है, क्योंकि पालक है कोई भी साग आप बनाइए तो उसमें से पानी छोड़ता है वो। अब इसके साथ हम डाल देते हैं हल्दी पाउडर। अभी हम नहीं डाले थे क्योंकि साग ज़्यादा था तो इसीलिए मैंने नहीं डाला हुआ था। और अब डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। नमक आप अपने टेस्ट अनुसार ज़्यादा या कम कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया और ये हमने टमाटर, तो टमाटर फ्रेंड्स हम तीन यहाँ पे कट करके लिए हैं। टमाटर को अगर आप साग में डाल के फ्रेंड्स बनाइएगा बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल हलवाई शादी पार्टी वाली आज मैं सब्जी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आलू बैंगन साग। आप लोगों ने बहुत बार खाया होगा बनाकर, लेकिन एक बार आप लोग मेरे तरीके का बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसे अभी हम ढक देंगे क्योंकि अभी जो है ये साग जो है पानी बहुत ज़्यादा निकलता है साग से, तो इसको हमें ढककर पका लेना है। तो हम इसके ऊपर लिड लगा देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हम ले लिए हैं सोवा, साग में सोवा डाल के बनाइए ना, सच पूछिए बहुत ही टेस्टी ये साग बनके तैयार होता है।
तो गर्मियों में तो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये ठंडियों के सीजन में ही मिलता है और ठंडियों का साग भी बहुत ही टेस्टी होता है। तो सोवा को भी हम कट करके डाल देते हैं साग में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सोवा को मैंने कट कर लिया है और सोवा को भी अब हम इसी साग में डाल देते हैं। और आप देख सकती हैं, आपको दिखाते हैं कि इसमें देखिए कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है, क्योंकि साग है तो साग बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है। आप देख सकती हैं पानी मैंने बिल्कुल भी नहीं डाला है, लेकिन जो ये साग है, पालक जो है, इससे इसका पानी जो है इतना ज़्यादा निकल रहा है। अभी तो ये और भी ज़्यादा निकलेगा पानी, क्योंकि साग जो है पानी बहुत ज़्यादा निकलता है। ये देखिए, तो इसे हम खोल कर पकाते हैं। खोल देंगे, इसके लिड नहीं लगाते हैं। खोल कर पकाने से जल्दी पक जाएगा ये पानी जो है अच्छे से बिल्कुल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मेरा पालक बनके रेडी है, देख सकती हैं। देखिए बिल्कुल कितना बढ़िया लग रहा है देखकर, बहुत ही टेस्टी देखने में लग रहा था कितना ज़्यादा पानी है, बहुत ज़्यादा पानी निकला था। लेकिन अब आप इसको देख सकती हैं बहुत ही अच्छा बिल्कुल बनके तैयार है। तो गैस को कर देते हैं आप। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्जी का आप लुक देखकर समझ सकती हैं कि कितना टेस्टी ये सब्जी बनके तैयार हुआ है। बिल्कुल ये मैंने फ्रेंड्स शादी पार्टी वाली सब्जी आलू बैंगन साग का बनाया हुआ है। तो ये लीजिए, सब्जी मेरी रेडी है, देख सकते हैं बहुत ही अच्छा ये बनके तैयार हुआ है। तो आप लोग हमें कमेंट, अपना प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये आलू बैंगन साग की सब्ज़ी कैसी लगी। और हाँ फ्रेंड्स, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग आप लोगों को। अगर रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो को आप लोग देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।